माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है, वैसे भी देर से बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशंस डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है, न्यायालय में जाने के लिए वो जा सकती है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वार्ड संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशियसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें, और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि वाद संख्या 18/21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के एक न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस, एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर हैज़ बीन नॉट कंप्लाइड विथ इन दैट एएसआई रिपोर्ट, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में, बिल्कुल किया जाएगा। उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का ड्यूअल धार्मिक करेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है, इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के, मतलब जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को, जो विवादित ढांचा है उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 से 91 पे। सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है, केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 CPC के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा, जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि उत्खनन भी किए जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेज बना करके और जो विवादित स्थल है वहां जा करके उसके सर्वे करने की है, जो उस केस में नहीं हुआ है, इसलिए इस आदेश का अनुपालन पुनः जो है वो एएसआई
करेगी। आपको क्या लगता है कि एएसआई फिर से अगर एएसआई सर्वे करता है तो वो मिल का पत्थर होगा, क्योंकि इस बार के एएसआई में खुदाई करने का आदेश नहीं था? नहीं था, बिल्कुल मिल का पत्थर होगा और आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में आज के यह भी कहा है, कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यह सूट दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, बल्कि यह सूट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और एक बड़े समुदाय का, एक बड़े समुदाय के विरुद्ध विवाद है। इसलिए इस नेशनल विवाद को अविलंब समाप्त करने के लिए, निर्णय देने के लिए लोअर कोर्ट को 6 माह का समय दिया है कि इसको फाइनली निर्णित करें। इस बार जो सर्वे होगा वो किन किन चीज़ों का होगा, रजू खाने का? इस बार जो सर्वे हो चुका है वो सेम सर्वे रिपोर्ट इस केस में फाइल की जाएगी। इस केस में जो ट्रेंचेज वगैरह बनाने के लिए और वजू खाने इत्यादि के लिए जो सर्वे नहीं हुआ है वह भी इसके आदेश के अनुपालन में एएसआई के द्वारा किया जाएगा।